शख्स के लिए सालों साल हमने ये समझा कि ये पाकिस्तान का सेवियर है। एक्चुअली उस शख्स ने आके आज पाकिस्तान के साथ वो खिलवाड़ कर दिया कि जो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन नहीं कर सका था। तो आज मैं हालांकि बड़ा छोटा था लेकिन मुझे रह रहे के याद आ रहा है जियाउल हक का टाइम, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को दूसरी बारी जो इतना शदीद नुकसान पहुंचा है, पहले तो जियाउल हक के टाइम पे पहुंचा था और आज इमरान हो गया। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी, वी आर अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट, वी आर नॉट सबसर्वियंट टू एनीवन, वी बिलीव इन ह्यूमन वैल्यूज, वी बिलीव इन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, वी वैल्यू ह्यूमैनिटी, वी वुड लव टू हैव कॉर्डियल रिलेशन विद एवरीवन, बट इफ समबडी इज ऑफ द ओपिनियन टू अंडरमाइन पाकिस्तान, टू थ्रेट पाकिस्तान, टू कैन नो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, वी आर सबसर्वियंट टू अल्लाह, we are subservient to the holy prophet khatimun nabiyin hazrat muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam, and we are subservient to the will of the people. Pakistan is going to survive, inshallah. Pakistan is the future, and inshallah this parliament has become a symbol. to dosto aapne jaisa ki clip dekha pakistan mein mahol kya hai, ab prime minister imran khan official taur par purane ex prime minister ho chuke hain। तो गाइज ये मुबशिर लुकमान है और कमर चीमा है, और स्टार्टिंग में वीडियो था पाकिस्तान की जो दोनों पार्टीज़ की सांसद थी वो उनकी भिड़ंत हुई, झड़प हुई। मुबशिर लुकमान जब इमरान खान आए थे तो इनके काफ़ी बड़े सपोर्टर थे, अब देखिए पूरा वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और ये पूरी तरह से पलट गए। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं डिटेल में बात की पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या होगा और कैसे नजम सेठी की प्रेडिक्शन। तो क्योंकि हेजी मौसम है, मुझे नहीं पता क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। ये MI6 का हेड ऑफिस है, तो जो भी पीटीआई वाला देखेगा वो कहेगा कि ये देखे इसमें तो MI6 भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जहाँ से ये कर रहा है ना वहाँ आम आदमी बैठ के कर ही नहीं सकता। तो बहरहाल आज मुझे हंसी तो आ रही है लेकिन मुझे दुख बड़ा हो रहा है। मुझे दुख ये हो रहा है कि जिस शख्स को हमने ताकतवर बनाया अल्लाह की मदद से, जिस शख्स के लिए हमने इतनी मेहनत की, जिस शख्स के लिए सालों साल हमने ये समझा कि ये पाकिस्तान का सेवियर है, एक्चुअली उस शख्स ने आके आज पाकिस्तान के साथ वो खिलवाड़ कर दिया कि जो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन नहीं कर सका था। तो आज मैं हालांकि बड़ा छोटा था लेकिन मुझे रह रहे के याद आ रहा है जियाउल हक का टाइम, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को दूसरी बारी जो इतना शदीद नुकसान पहुंचा है, पहले तो जियाउल हक के टाइम पे पहुंचा था और आज इमरान खान, और इमरान खान और उसके साथियों पर पहले तो मैं मातम करूँगा कि जो बड़ी खुशी खुशी कह रहे हैं कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, असी तो नस गए तो कर लो जो करना है, किसी की अचकनसिली रह गई, किसी का ये रह गया। अगर कोई चीज़ रह गई है इस मुल्क में तो वो अफरा तफरी रह गई है, अगर कोई चीज़ बच गई है इस मुल्क में तो वो एनआरकी बस होना बाकी है, बाकी तो ये काफ़ी कोशिश करवा चुके हैं, सब कुछ करवा चुके हैं। यानी कैसी बात है कि जमहूरी हुकूमत अपना खात्मा खुद करती है और अपने आप को खुद ख़त्म करती है और उसके बाद मिठाइयाँ बांट रही है और उसके बाद वो मुबारकबादें दे रही है एक दूसरे को कि वेल डन कप्तान, वेल डन कप्तान। और मैंने मीम्स देखी हैं कुछ ट्विटर वगैरह पर, लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर भी भेजी हैं कि ये अच्छा कप्तान है कि जब मैच हारने लगा तो स्टंप्स और बैट्स वगैरह उठा के ही भाग गया साथ, कि जी ना मैं आउट होऊंगा तो ना ये मैच का फैसला होगा। तो बहरहाल ये बचकाना बातों का दुनिया में तो कोई इसकी गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इमीडिएटली सुओ मोटो लिया क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है ये पैदा किया गया है, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज असद कैसर इजलास की सरबराही नहीं कर सके, अपोजिशन ने उनके ऊपर यानी ऑब्जेक्शन की हुई थी तो डिप्टी स्पीकर को करनी पड़ी कासिम सूरी को। तो जो चीज़ अब रिकॉर्ड हो गई है, कासिम सूरी के जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है कि इसका मतलब वो पढ़ी हुई थी, वो लिखी हुई थी, वो साइन हुई हुई थी और कासिम सूरी ने उसी तरह पढ़ी, उनका आए असद कैसर स्पीकर नेशनल असम्बली और वो पढ़ गए। अब ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा आ गया, ये तो टीवी कैमराज ने रिकॉर्ड कर लिया नेशनल असम्बली के, इसका मतलब है सब कुछ प्री प्लान था और इसका मतलब है कि सब कुछ इसके पीछे जो है दो नंबरी है, इसके पीछे
मिलिशियस कार्रवाई है और ये कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया है और कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने की सजा जो है वो मौत है। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन शामिल हो सकता है, क्या वजीर आजम हो सकते हैं कि नहीं, डिप्टी स्पीकर तो डेफिनेटली है, क्या प्रेसिडेंट होंगे इसमें कि नहीं, क्या इसमें फवाद चौधरी जिन्होंने वो रेजोल्यूशन पेश किया वो उसमें शामिल होते हैं कि नहीं होते। मैं कोई आईनी माहिर तो नहीं हूँ, मुझे तो नहीं पता, लेकिन कम अज कम दो तीन लोग जो है वो आर्टिकल 6 के जरूर मुर्तकिब हुए। इसी तरह की उल्लड़बाजी जो है पंजाब असेंबली में भी चल रही है और मुझे एक फोन आया चौधरी परवेज लाई के करीबी साथी का, उनका अल्लाह ने साड़ी इज्जत रख ली। देखो असी ऐसे कह सकते हैं कि जनाब असी तो वजीर आला बन रहे सन भाई, इजलास ही नहीं होया तो असी की करिए। तो वो सारी दुनिया को पता है कि कौन जीत रहा था और कौन नहीं जीत रहा था और सारी दुनिया को पता है कि नंबर्स क्या है, तादाद क्या है। वो तो अपोजिशन तो बैठी हुई है नेशनल असेंबली में, आपने बत्ती बंद कर दी है, पानी बंद कर दिया है, वहां पे हो सकता है रात तक किसी को ख्याल आए सूरज भी बंद कर दे, कर दे। अगर आपने अपने मुल्क में पार्लियामेंट को इतना बेवकूफ करना है, अपने अगर आपने अपने मुल्क में आईन को एक चीथड़े के कागज की तरह उसको रौंदना है और अगर आपने अपने मुल्क में दिफा का निज़ाम हो, अदलिया का निज़ाम हो, आपके मुल्क में ह्यूमन राइट्स हो, मीडिया हो, वेमन राइट्स हो, इन सबको तहत करना है तो फिर आपकी मर्जी, लेकिन मुल्क इस तरह सर्वाइव नहीं करते। और आपने जिस तरह एक मजाक बना लिया कि जी एक इंटरनेशनल कॉन्स्परेसी हो रही है इसलिए इसको हमने कैंसिल कर दिया इजलास को, कौन सी इंटरनेशनल कॉन्स्परेसी हुई है, कोई सबूत तो दे दो यार, कोई प्रूफ तो कर दो। बातें कर करके ये 35 पंक्चर की तरह अपने आप को बेइज्जत कराओगे बार बार, वो नजम सेठी के आगे बेइज्जती हुई थी की पॉलिसी है। और इस रिजीम चेंज की पॉलिसी के अंदर हम ये समझते हैं कि अमरीका और ये ऑपोजिशन आपस में मिली हुई है, सो लिहाजा ये जो कुछ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है इसको रिजेक्ट किया जाता है और जो हुकूमत पाकिस्तान जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान जो है वो उसके थोड़ी देर बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि जी मैं असेंबलियां तोड़ता हूँ। जब उन्होंने असेंबलियां तोड़ दी तो वो समरी सदर के पास चली गई, सदर साहब ने वो असेंबलियां तोड़ दी, वो नोटिफिकेशन हो गया। अब आप देखें कि पाकिस्तान के लिए कितना ये डार्क, जैसे आप कहते ना काला दिन है कि एक सदर एक वजीर आजम जिसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन और कानून ये कहता है कि आपके मुल्क में आपके अगेंस्ट अगर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो उसके ऊपर वोटिंग होनी ही होनी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, और मजे की बात ऑपोजिशन को सुना ही नहीं, ऑपोजिशन से कुछ पूछा ही नहीं है और दिन क्या वोट करना। और मजे की बात देखिए इतनी बड़ी इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है, कानून के खिलाफ, पाकिस्तान के आईन के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की है कि मेरे जैसा शख्स जो हमेशा इमरान खान साहब को एक लिवरेज देता था, मैं हमेशा ये कहता था कि इस बंदे के अंदर उम्मीद है, जब इमरान खान साहब ने मीडिया को चैलेंज करना शुरू किया तो मुझे शुरू से लगा ये बंदा स्टेटस को तोड़ने वाला है, ये बंदा स्टेटस को के खिलाफ खड़ा होगा, पर हमें क्या पता था कि जिस बंदे को हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिस बंदे को हम समझते हैं ये लीडर है और पाकिस्तानी इसी बात पर बड़े खुश हो रहे हैं कि ये पर्ची के बगैर पढ़ता है, ये शख्स पर्ची के बगैर तकरीर करता है। आप इमेजिन कर लें कि छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं पाकिस्तानियों की और ये पाकिस्तान को आज किस मुकाम पर लेके आ गए हैं। मैंने जब से होश संभाली है, जारी बात है मेरे सामने ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया है, इससे पहले मुशर्रफ जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लेके आए, कू किया, एमरजेंसी लगाई, तो उस वक्त आई वॉज ए स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, तो मुझे इन चीजों का अंदाजा नहीं था कि ये क्या होता है, लेकिन सिंस वी आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, आज भी मैं सारा दिन इसके ऊपर टेलीविजन पे बैठा रहा और डिफरेंट चैनल्स पे पाकिस्तानी बाहर के चैनल्स, इंडियन चैनल्स के ऊपर जारी बात है तबसरे करते रहे और लोगों को इंटरव्यूज देते रहे, तो मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि किस तरह इमरान खान पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बने जिसके अंदर वो अकेले रूल करे, और वो समझते हैं कि मैंने उन्होंने आपने अगर मेरी पिछली कुछ दिनों की वीडियोस देखी हो तो मैं कॉन्टिन्यूसली एक चीज कह रहा था, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे थे, कॉन्टिन्यूसली मैं एक चीज कह रहा था कि इमरान खान अगला इलेक्शन जो है वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लड़ेंगे। लेकिन पता नहीं जिसने किसी ने सुना या नहीं सुना या मेरे वीडियोस देखी है कि नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है समाप्त। आपने देखा पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है कि इमरान खान ने जो किया है वो गैर असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, जो भी बोले वो पूरी तरह से मतलब गैर कानूनी तरीके से किया गया है। और इमरान खान ने मतलब बोला था कि वो लास्ट बॉल तक खेलेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ सीन रिपीट हुआ है कि इमरान खान ने लास्ट बॉल से पहले ही डिक्लेयर कर दिया और बोला कि भैया ये मैच ड्रॉ, हम नया मैच खेलेंगे अगले 90 दिन में। इस मैं क्रिकेट की टर्म में बता रहा हूँ, पॉलिटिकली
करेक्ट, अगर जो वहाँ की सिचुएशन है उसमें ये बताया गया है कि आने वाले 90 दिनों में आप नया इलेक्शन कराएं इमरान खान की तरफ से। अपोजिशन पार्टी ये मामला केस में मतलब कोर्ट में लेकर गई है और केस लगा दिया है, और ये उनका ये बोलना है कि भैया जो 180 दिन बचे हुए हैं उसमें कोई नया प्राइम मिनिस्टर आएगा विपक्ष का और उसके बाद इलेक्शन होंगे। अब मुझे लगता है कि ऐसा कुछ सीन क्रिएट होगा और आर्मी कुछ ना कुछ, अब 2-3 दिन में आर्मी की तरफ से भी कुछ बयान आएगा और उसके बाद पाकिस्तान की एक्चुअल सिचुएशन पता चलेगी। अब गाइस पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना 5 साल का कार्यकाल कभी भी पूरा नहीं कर पाया है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। इमरान खान भी उस हिस्ट्री का एक हिस्सा बन चुके हैं और वो कंसिस्टेंसी जो हिस्ट्री में है उसका पार्ट बन चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि अभी आपने एक मेरा पुराना अगर वीडियो देखा जिसमें पाकिस्तान के करंट कमर जावेद बाजवा जर्नल हैं, जो उनका बयान आया था कि हम पॉलिटिकली और स्ट्रेटजिकली कश्मीर हार चुके हैं, अब हमें भारत से डिप्लोमेटिकली बात करनी होगी, और अगर डिप्लोमेटिकली भारत से बात करनी है तो इमरान खान वहां पर शूट नहीं करते, क्योंकि इमरान खान ने इतना मुँह चलाया है भारत को लेकर, प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर। ट्विटर में इनका इंडिया की छोटी छोटी बातों को लेकर इनके ट्वीट आए हैं, जो हिजाब कॉन्ट्रोवर्सी है या बाबरी मस्जिद राम मंदिर बना, हर चीज़ पर इनके ट्वीट हैं। तो आप समझ सकते हो कितना इमेच्योर व्यक्ति है, उसको लेकर भारत के साथ संबंध तो सही होने वाले हैं नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर।